हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी सिंपल बी स्पिरिट। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है एल्प्स गुडनेस का नोनी जूस। ये मैंने पर्पल की वेबसाइट से मंगाया है। मेरा जो इससे पहले मैंने एक हॉल डाला था पर्पल का, उसमें मैंने इसको आप लोगों से शेयर किया था। सो गाइस, ये नोनी जूस है, ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके साथ हमारी एक स्टोरी जुड़ी है। जब मैं और मेरी सिस्टर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तब हमने सोचा था कि हम नोनी जूस मंगवाएंगे, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, शिल्पा शेट्टी इसको पीती हैं, तो हमने सोचा कि हमें भी इसको ट्राई करना चाहिए। ओके, तो ये अफोर्डेबल था पर्पल की वेबसाइट पर, जो 70-80 रुपीज़ में हमें ये मिल गया था। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इसको पीने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कैसा है। बट जब ये मैंने लिया था, उस टाइम में मैंने इसे ट्राई किया था, जस्ट मैंने कितना इसको ट्राई किया होगा, मतलब ज़रा सा मैंने इसको ट्राई किया था बस। उसके बाद मैंने इसे देखा भी नहीं है इसकी तरफ। बट जब मैंने इसको पैसे डाले हैं इसमें, तो मैं इसे यूज़ पीऊँगी ऑब्वियसली, बट सीरियसली मैं दोबारा इसको नहीं मंगाऊँगी, क्योंकि सीरियसली मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगा, कोई टेस्ट लेस है ये बिल्कुल। तो इसका जो रिव्यू है वो है, बिलीव टू प्योरीफाई स्किन, ये हमारी स्किन को प्योरीफाई करता है। मेरी मम्मी ने तो इसको, मतलब मैंने उसको बहुत कोशिश की वो इसे पिए, बट शी कांट ड्रिंक, उन्होंने इसको नहीं पिया। एंड रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट, नो एडिड शुगर, विटामिन एंड मिनरल, मेड फॉर कंज्यूमेट पर्पज। 300 ml आता है ये, 300 ml आता है, जस्ट 80 रुपीज़ में ये पर्पल वेबसाइट पर आपको ईजी मिल जाएगा। एंड एल्प्स गुडनेस की ब्रांड है। उसके बाद इसमें जैसे इन्होंने क्लेम किया है कि इसमें कोई भी शुगर वगैरह एडिड नहीं है, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि टेस्ट लेस है इसमें, ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सॉल्टेड है, ना ये शुगर है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको बताती हूँ कि ये कुछ इस तरीके बॉटल में आता है ये। एंड मेंस होती हैं वो प्रेगनेंसी में इसको नहीं पी सकती हैं, तो ये प्रेगनेंसी में इसको आप नहीं पी सकते हो। एंड चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, ये एक छोटा सा रिव्यू हो गया, क्योंकि मैंने इसको अभी तक इसकी जो ना तो इसको आप खुशबू तो मैं से बिल्कुल नहीं कहूँगी, फ्रेगरेंस तो नहीं है। तो जो हम सीरप पीते हैं ना, जो जुखाम वगैरह में हमें दिए जाते हैं, लाइक उस तरीके की इसकी फ्रेगरेंस आती है। एंड ये हमारा ल्यूकवॉर्म वाटर, एंड मुझसे तो हो भी नहीं रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये कैसे निकलता है, ठीक है। जो हमारा सीरप होता है ना, कुछ उस तरीके से है इसकी कंसिस्टेंसी, देखो ये देखो है ना बस इससे ज़्यादा तो मैं पी भी नहीं पाऊँगी और मुझसे हो भी नहीं पाएगा। तो जैसा एंड हमारा वाटर, पानी मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसकी जो ये देखो हो गया ना ये। इसके बाद आपको करना क्या है, हमें इसे अच्छी तरीके से चला लेना है, इससे पहले कि ये मेरी बेडशीट को ख़राब करे, हमें इसको क्लोज कर देना चाहिए। वैसे बुरा नहीं है, बट जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिन लोगों को टेस्टलेस चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए तो बेस्ट है। सो मुझे तो फ़र्क पड़ता है यार, सीरियसली मुझसे तो ये घूम भी ना पाएगा ऐसे। इसको आप अच्छे कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया नोनी जूस। ये ज़्यादा नहीं है, ये मैं इस ग्लास के अकॉर्डिंग इसको लेकर आई थी पानी, तो इसमें आपको लग रहा है बिल्कुल ये अजीब सी इसकी फ्रेगरेंस है यार, इसे स्मेल कहूँगी, मेरे लिए तो स्मेल ही है। चलो ठीक है, देखते हैं ना, सीरियसली हिम्मत नहीं हो रही है इसको पीने की। अंदर से जो अजीब सा लगता है ना, वो यानी कहाँ, अच्छा इसको
अब जब इतना बनाया है तो इसको पी लेते हैं क्योंकि यार पैसे डाले हैं। और इसका जो रिव्यू है मैंने आपको छोटा सा दिया है क्योंकि इसमें जो क्लेम किया गया मैंने सुबह ही बताया, अदरवाइज मैंने जब इसको पिया ही नहीं है तो मैं आप कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। बट ये काफ़ी अच्छा है, मेरी सिस्टर इसको पी रही है और इसको तो अच्छा लगता है। शी वॉज टेलिंग, मैंने इसको कहा कि मैं आपको ये कॉटन की बोरी नहीं दी, ये वाला भी लेके जाना। और मैं अब ऐसे बिना कुछ सोचे कोई जूस नहीं मंगाऊंगी, सिर्फ आप कोई फ्रूट का जूस ले लो वो ज़्यादा अच्छा होता है। नॉन वेज जूस जूस जिसने भी ये नॉन वेज जूस परचेज किया है ना, प्लीज़ वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा उसका एक्सपीरियंस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसे कंप्लीट करते हैं, मुझे वीडियो को ख़त्म करना ही होती है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। इसको पीने में अंदर से ना कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि हम कुछ पीते हैं ना वो सीरप टाइप वैसा कुछ लगता है। सो अभी सो गए कि इतना भी बुरा नहीं है, बट टेस्टलेस है क्योंकि मुझे टेस्टलेस चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको पियोगे तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं नॉन वेज जूस के। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपसे, अगर आप नॉन वेज जूस के बारे में डिटेल में रिव्यू जानना चाहते हो मेरे से तो मैं कुछ टाइम के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने इसे अभी एक दो दिन से पीना स्टार्ट किया दोबारा से। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। मैं ऐसे ही मिलूंगी आपसे नए वीडियो से, तब तक के लिए फिर आई थी क्या, मैं लव यू।